नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच मैं अपना नया क्लास लेकर आया हूँ और आज का हमारा क्लास है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हम लोग शुरू से ही आपको बताते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास हमारा जो प्रेजेंट टेंस से लेकर अभी तक हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस तक पहुँचा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आपने पढ़ा था उसको बस याद कर लीजिए और बाकी सब सेम रह जाएगा। ऐसे आप इसको समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रेजेंट है अगर यहाँ पे इसका पास्ट रूप अगर बताए तो ये दोनों का पास्ट रूप हैड होता है। क्या होता है? हैड होता है और बाकी जो भी है सेम रहता है। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 दे रहे हैं प्लस ओके हमारा बन गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हैज और हैव का जो है अब झंझट खत्म हो गया है कि किसके साथ हैज लगाना है, किसके साथ हैव लगाना है। अब हमको पास्ट परफेक्ट अगर बोलेगा तो सब्जेक्ट कोई भी रहे हमको क्या करना है, हैड लगा देना है। और इस तरह से हमारा सीखा है कि हमारा जो फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कहता है आई हैड प्लेड क्रिकेट। कोई दिक्कत? क्या किए, सब्जेक्ट दिए, हेड लगाए, V3 दिए और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ही रहे चाहे सी रहे चाहे दे रहे सबके साथ हेड का उपयोग करेंगे। और इसके बाद हमारा जो है वो V3 होगा और ऑब्जेक्ट दे रहे के बन जाएगा। कहने का मतलब है कि अब जो है देखिए इसको बनाएंगे तो ही हैड सी हैड दे हैड। तो अगर सी हैड ही हैड लेफ्ट हिज हाउस, सी हैड गोन टू मार्केट, they had laughed loudly। बोलिए आसान है कि नहीं? अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव में जैसा कि जानते हैं कि हम लोग हेल्पिंग भाग ढूंढ के हेल्पिंग भाग के बाद क्या करते हैं, नो लगते हैं। निगेटिव में खाली अगर वही चला जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव तो सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा देखिए कहता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, नोट लगाते हैं। तो नोट लगाएंगे उसके बाद बन जाएगा सब्जेक्ट। हम कुछ भी दे सकते हैं, दे ही राम एंड श्याम, कुछ भी लगाइए बनेगा क्या, हैड लगाके। तो दे हैड नोट वेक्स्ड
He had not taught you. Ram and Shyam had not given Bhikkhari him a book. है ऐसा तो दिक्कत इस तरह से हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि अब जो है सेंटेंस बनाना काफ़ी आसान हो गया है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो मतलब हैड को पाले गया, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद बचा क्या भी थी प्लस सब्जेक्ट, जो बचा वो वही है। अब देखिए हैड ही सपोर्टेड यू, व्हाई हैड माय मदर लाइक liked that book. मतलब डब्ल्यू एच प्लस हैड सब्जेक्ट, ये हमारा बी थ्री और बाकी ये जो है ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए तो ये भी बहुत ही हल्का है, ये बहुत ही हल्का है। इसको अगर समझिएगा तो ये कहता है कि जो सबसे पहले क्या कीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए। आई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तब उसमें नोट लगाइए या नो लगाइए और नेगेटिव बना लीजिए। तो हमारा जो है कहता कि इंट्रोगेटिव बनता कैसे है, तो हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड प्लस सब्जेक्ट। आप देखिए यहाँ पे इतना किए तो हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव बन गया। तब क्या है कि सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव बनाना है तो नोट भी थ्री प्लस सब्जेक्ट। अगर इसी में डब्ल्यू एच की बात करें तो डब्ल्यू एच भी क्या होगा, हैड डब्ल्यू एच प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि आपका यहाँ पे दिया है। ये आपका इंट्रोगेटिव है, ये डब्ल्यू एच से था जो मैंने ये पढ़ाया। अब जो है ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सेम चीज़ है। कहने का मतलब है क्या कि इसको अगर देखिए तो हमने इससे इंट्रोगेटिव बनाया, और इंट्रोगेटिव जब बन जाता है तो नोट लगा के नेगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनने के बाद हम लोग नोट लगा के नेगेटिव बना देते हैं, और इस तरह से हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। आप थोड़ा और आगे देखिए, हैड माय अंकल, इसको यहाँ पे कर दीजिए, चलिए यहाँ पे हैड माय अंकल गोन टू द फील्ड, अंकल नोट गो नोट उसके बाद गो, तब नेगेटिव बना। अब है कि डब्ल्यू एच में आइए तो आई हैड योर फ्रेंड, कुछ भी लगाइए लगेगा क्या, हैड ही, तो आई हैड योर फ्रेंड नोट और पाउट, कुछ भी सब्जेक्ट भरत दे सकते हैं, ये नहीं कि जो हम लिख रहे हैं। आप खुद से बनाइए इस तरह का सेंटेंस अबाउट दैट पेन,
अब इसको जो है सीखने के लिए कहिए कि अब कैसे सीखिएगा, तो अपना मन से क्या करते हैं आप, जो भी स्ट्रक्चर मैंने बताया उस पर क्या कीजिए कि हर अपन मन से सब्जेक्ट की जाते, मतलब हिंदी सी एट दे राम मोहन, इस तरह से आप जब सब्जेक्ट दे दीजिए तो उसके बाद क्या कीजिएगा हेड लगेगी, उसके बाद भी थ्री, आप भी थ्री में कहने का मतलब है क्या, गो रीड प्लेड जंप, ये अपना मन से क्या कीजिए दीजिए। अब है कि फिर ऑब्जेक्ट भी अपना मन से लगे और इस तरह से क्या कीजिए, दस दस पंद्रह पंद्रह जो भी होता है उस सेंटेंस को बनाना शुरू कीजिए। सेंटेंस अगर बनाना सीख जाएंगे तो आपको टेंस खत्म हो गया। अब हमारा देखते हैं थोड़ा सा और आगे, कहता है कि एक कभी का दिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि इसी टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करता है, दो टेंस मिला देता है। और मतलब मिलाता कौन कौन है, तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ये आपका ज़्यादातर क्या करता है, ट्रांसलेशन जो होता है इसमें करता है। क्या करता है, कहता है कि इसमें दो टेंस मिलाना है, कौन सा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। और ध्यान रहे कि नंबर वन सिस्टम जो दो सेंटेंस होगा, क्या होगा, दो सेंटेंस होगा, और दो सेंटेंस में क्या, एक ही सेंटेंस होगा लेकिन दो सेंटेंस से मिलकर बना होता है, और उसमें क्या करता है, बिफोर या आफ्टर, बिफोर आफ्टर, इस तरह का क्या करता है, प्रीपोजिशन जोड़ता है, क्या करता है, बीच में प्रीपोजिशन जोड़ के आपको क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ देता है। या आप ऐसा भी होता है कि ये प्रीपोजिशन जो है आपका कंजक्शन के रूप में भी यूज होता है, तो आप ये कहिए तो इसको यूज करके क्या करता है, दो सेंटेंस बना देता है, और जब दो सेंटेंस को जोड़ देता है तो कैसे बनेगा, तो उसके लिए ध्यान रहे नंबर वन पे पास्ट परफेक्ट जाएगा और नंबर टू पर पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, और बीच में वो जो है कंजक्शन है। अब इसको थोड़ा और देखते हैं, जैसे रहेगा द पेशेंट had died before the doctor came, फिर इस तरह का एक और रहेगा the thief had gone away, बिफोर द पुलिस के, अब जो है यही चीज रिकॉर्ड रहेगा द ट्रेन हैड started after I reached the station। ये भी आपका भी, आप देखिए यहाँ पे जो reached है ये भी टू बनना की duty, ध्यान देने वाली बात है, reached तो कहता है कि इस तरह का क्या होता है,
सेंटेंस भी हमारा ट्रांसलेशन में उपयोग होता है। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो टेंस के सेंटेंस को मिलाकर बनाता है, जिसका उपयोग इस तरह से होता है। आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म होता है और आगे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि हमारे वीडियो कैसा आपको लगता है, और शेयर अधिक से अधिक कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।